आप लोग कोई और सवाल पूछना चाहेंगे? नहीं, आई थिंक दैट वुड बी ऑल. जेंटलमैन, इट्स फाइन. मिस फयाज, आप जा सकते हैं. ओके, आप जाएं, बाबा को बता दें. सही है. थैंक यू. मैं बस ऐसे ही गुजर रही थी, दरवाजा खुला हुआ था तो रूम देखने आ गई. हाँ, उसी का रूम है. इंटर्नशिप के बाद खाली पड़ा हुआ. तुम चाहो तो तुम ये कमरा इस्तेमाल कर सकती हो. नहीं बाबा, इस पे शाहजैन का हक है. मैं इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गई हूँ. हाँ, तुम्हारे जवाब जो है ना, उसने सबको बहुत मुतासर किया. अब मैं तो चाहूंगा कि तुम कल से ही कंपनी को ज्वाइन करो और बस काम शुरू कर दो. बाबा, बहुत बहुत शुक्रिया. नहीं बेटा, मेरा शुक्रिया नहीं, अमानत अली का शुक्रिया कि उसने अपनी बेटी को इस काबिल बनाया कि वो आज जमाने को दिखा सके. मैंने तो उस बेमुरव्वत से रिश्ता जोड़ कर बहुत गलती की थी. प्लीज प्लीज बाबा, इसे बार बार मत भूला करें. अल्लाह के घर देर है, अंधेर नहीं. हम नहीं जानते वो कब किसी के दिल पे लगा हुआ ताला खोल दे. हाँ, दिल चाहता है शाहजैन को ये खबर सुनाओ जिसे उन्होंने बेमोल समझकर फेंक दिया. उसने आज कामयाब होने की ठान ली है. वो ये खबर सुनकर मजीद बदगुमान हो जाएंगे. शायद ये फासला ही उनको मेरी कदर करवा दे. जो तुमने जिस जॉब इंटरव्यू का कहा था ना, मैं कल जा रहा हूँ उसके पास. क्यों? तुमने तो कहा था तुम्हें किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है, तो मैंने मना कर दिया उन्हें.
वैसे भी हर कोई तुम्हारा मूड ठीक होने का इंतजार नहीं कर सकता। मनाहिल। नहीं मॉम, दिस इज नॉट। तुम कोशिश करते रहो बेटा, इंशाल्लाह कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। और वैसे भी हम नेक्स्ट मंडे अमेरिका जा रहे हैं। अमेरिका? आंटी आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आप इससे समझाने के बजाय आप इसी की बातों में आ रही हैं। ये मेरा फैसला है, अब मैं तुम्हें पहले बता चुकी थी। लेकिन तुम ऐसा कर कैसे सकती हो? मैं तुम्हारी खातिर सब कुछ छोड़ के यहाँ पे आ गया और तुम मुझे अकेला छोड़ के यहाँ से जा रही हो। तुम उस घर से निकाले जरूर मेरी वजह से गए हो, लेकिन अभी तक दूर सिर्फ अपनी वजह से हो। शाज़ेह, मुझे मेरे अपने लिए ये फैसला करना बहुत जरूरी है, और वैसे भी तुमने हम दोनों के लिए और कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा। ऑप्शन है, ऑप्शन है, वी कैन टॉक अबाउट इट। हम बात कर सकते हैं। मुलाहिज चाहती आंटी आप सब मुलाहिज महल, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरे साथ। तुम नहीं छोड़ के जा सकती मुझे। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर। बस करो, पैकिंग दी होगी तुम, ये तुम कहीं नहीं जा रही। छोड़ो छोड़ो तुम। अवे फ्रॉम मी। हाथ जोड़ती हूँ तुम्हारे सामने कि मुझे जाने दो, मैं ये टॉर्चर और बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना अपनी माँ को इस हाल में दे सकते हैं। We are leaving, that's it. देखो, तुमने जो बुरा भला कह रहा है मुझे कह लो, लेकिन प्लीज ये मत करो राहिल। देखो अच्छा, ओके फाइन, आई प्रॉमिस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मनाहिल प्लीज छोड़ के मत जाओ मुझे। कोई एक बात अभी तुमने पूरा किया शाज़ेह। हर इंसान की ना बर्दाश्तों की मेरी हद हो चुकी है बस। हमने बहुत मोहब्बत से रिश्ता बनाया, प्लीज याद करो। नहीं याद करना मुझे, बस हो गई है मेरी। मेरे जाने के बाद अगर अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो जाएगी तुम्हें या रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो मेरे पास आ जाना। समझ आना मैं बहुत दूर चली गई हूँ। दर से दूर नहीं जाना, कोई नहीं है और ठिकाना। टूट ना जाए सांस की तस्बीह, जिंद निमाणी दिल है दीवाना। चरखे की किसी पौनी का कोई गुंजल हूं मुझे खुला है। मंजिल है मेरी मेरे माही, तू तेरे कदमों खाक होना ये तन मेरा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का तुझे सब खबर है, तुझे सब पता।
विनायक, 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 शाज़ेन, दिस इज माई लास्ट मैसेज, प्लीज इसे तहम्मुल से सुनना और कोशिश करना कि रियायत ना करो। हम दोनों ने ये निकाह एक दूसरे की मोहब्बत में किया था, मगर ये रिश्ता हमारे लिए सजा बना। यकीन करो, मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शंस थे। पहला ऑप्शन ये कि मैं अपनी गलती सही होने का इंतजार करती, और दूसरा ऑप्शन ये कि मैं खुद को आजाद कर देती। और मैंने दिल पे पत्थर रखे दूसरी ऑप्शन चुनी। मैं माँ के साथ यूएसए मूव हो रही हूँ हमेशा के लिए। सोचा था कुछ दिनों बाद तुम्हें भी बुला लूंगी, लेकिन तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम कभी बदल नहीं सकते। तुम जिंदगी में किसी भी रिश्ते की इज्जत नहीं कर सकते। तुम्हारे लिए सिर्फ अपनी अना इम्पोर्टेंट है, मुझसे ज्यादा, मेरी मोहब्बत से भी ज्यादा, और ये मैं डिजर्व नहीं करती। ना मेरे अंदर फरियाल जैसा हौसला और सब्र है। तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो, प्लीज मेरे पीछे मत आना। मैं जल्द इस रिश्ते को अंजाम तक पहुंचा दूंगी और तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। थैंक यू। अब बताओ, ऑफिस का पहला दिन कैसा था? बहुत अच्छा था, सब बहुत अच्छे हैं वहाँ। कामरान भाई, बाबा, दोनों बहुत हेल्पफुल हैं। दैट्स ग्रेट, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। तुम ना बहुत जल्दी अपनी मेहनत से अपना नाम बना लोगी। तुम्हारी कामयाबी हमारी कामयाबी है। थैंक यू। शाज़ेन से बात हुई आपकी? नहीं, मैंने मैसेज किया था लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आपको उनसे बात करनी चाहिए। तुम अब भी उसके लिए सोच रही हो?
भाभी आप बहुत अच्छी हैं मेरे साथ, बहुत एहसानात हैं आपके मुझ पे, मेरे घर वालों पे, और मैंने इस घर को हमेशा जुड़ा हुआ पाया है। फाजैन चाहे जैसा भी हो, है तो आप लोगों के दिल का टुकड़ा। ऐसा कैसे हो सकता है आप लोग मेरा इतना ख्याल रखते हैं और मैं ये ना देख सकूं कि आप सब कितने उदास हैं। आप, बाबा, कामरान भाई, अलिशवा, आप सब शाहजहान को बहुत मिस करते हैं और मुझे इस बात का बहुत दुख है। फरियाल, तुम एक बहुत नेक और रहम दिल इंसान हो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी तुम्हें हमारे दुख का एहसास है, बहुत बड़ी बात है। हालांकि हमें तो इस बात की शर्मिंदगी है कि हमने जबरदस्ती तुम्हारा रिश्ता एक ऐसी जगह जोड़ दिया। प्लीज आप लोग शर्मिंदा ना हो, वो मेरा भी फैसला था। तुमने ये रिश्ता पूरी तरह निभाने की कोशिश की है, पूरा पूरा साथ दिया है उसका, लेकिन मैं आज एक बहन की तरह तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। फरियाल, चाहे शाहजहान इस घर में वापस आ जाए और सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन फिर भी वो तुम्हारा नहीं हो सकता। इस बात को हमने कबूल कर लिया है, तुम भी कर लो प्लीज। साहब जी, मनाहिल बीबी और मालकिन बीबी तो अमेरिका चली गई हैं, मैं भी अब यहाँ और काम नहीं करूँगी। कुछ दिन के लिए बुलाया था मनाहिल बीबी ने मुझे, मैं भी जा रही हूँ। ये बात तो मुझे क्यों बता रही है? जाओ, सब तो चले गए, तुम भी जाओ। वैसे साहब जी, एक बात कहूँ, अगर मनाहिल बीबी की जगह फरियाल बीबी होती ना तो वो आपको छोड़ के ना जाती। कहाँ है वो? कहीं आसपास तुम्हें नजर आ रही? चली गई ना वो भी मनाहिल की तरह, सब चले गए। जी, फरियाल बीबी को तो आपने खुद घर से निकाला था, वरना वो खुद आपको छोड़ के ना जाती। तुम जाती वहां से, मैं निकालूं तुम्हें। आप लोग अंदर कैसे और किससे मिलने हैं आपको? हमारे पास घर की चाबियां हैं और हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप एक हफ्ते के अंदर अंदर ये घर खाली कर दी, इसलिए कि मनाहिल बीबी ने ये घर बेच दिया है। एक हफ्ता? मैं कहाँ जाऊंगा? मनाहिल बीबी ने रिक्वेस्ट की थी कि आपको एक हफ्ते के लिए घर में रहने दिया जाए, ताकि आप बिना किसी परेशानी के कोई दूसरा बंदोबस्त कर सकें। नाहिल ने कहा आपसे? हाँ, आप चाहें तो उन्हें फोन कर लें, हमारे पास प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर्स हैं। कुछ दिनों के बाद हम आपको रजिस्टर फाइल भी दिखा देंगे। मेरी आपसे ये दरख्वास्त है कि आपको ये घर एक हफ्ते में लाजमी खाली करना होगा, इसलिए कि नए मालिक के मकान के बेटे की शादी है और उन्हें इस घर की अच्छा जरूरत है। मुझे तुम्हारा एक हफ्ते का एहसान नहीं चाहिए, मैं अभी इसी वक्त ही घर खाली करने जा रहा हूँ, बता देना मनाहिल को। Oh
हाल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। मेरा हर नफ्स है कोई कफस, जो तेरी रजा हो वो ही मेरी चाह। मैं कह रही इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मगर इतनी सी है मेरी इल्तिजा, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, कोई रास्ता हो निजात का। मेरे माहिया मेरे माल का, तुझे सब खबर है, तुझे सब पता। दर से दूर नहीं जाना, कोई नहीं है और ठिकाना। टूट ना जाए सांस की तस्बीह, चिंद निमाणी दिल है दीवाना। ओ हो 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 हो। ओके नहीं है यार, कुछ प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। तेरी तरफ कुछ दिन रहने की जगह मिल सकती है क्या? एक्चुअली मेरी बहन की शादी है और घर पे मेहमानों का आना जाना भी है। इस वक्त मैं तुम्हें कैसे और कहाँ रखूँगा? कोई बात नहीं यार, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ, मैं कर लूँगा कोई बंदोबस्त। दोस्त ने मेरी मदद नहीं की, लेकिन मुझे गुस्सा नहीं, हैरत की बात। आज नाश्ता बहुत अच्छा था भाई, रोज इतना अच्छा नाश्ता करवाओगी तो मादी हो जाएंगी। लेकिन बाबा रोज नहीं करने दूंगी मैं से। अब इसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया है तो घर की जिम्मेदारी मेरी है। अल्लाह के नाम पे दे दे। रुको, हाँ जी इधर आओ, क्या चाहिए? अल्लाह के नाम पे दे दो साहब। देखो, करो बाजू ऊपर करो। इस जैसे लोग अल्लाह के नाम पे ऐसी जेबें खाली करवा लेते हैं, क्योंकि तुम जैसे बेवकूफ इन्हें हमदर्दी के नाम पे शह देते हैं। ऐसे लोगों की बिल्कुल इज्जत नहीं करता जो कि फ्रॉड होते हैं।
गरीबी को शो ऑफ करके दूसरों से सिंपैथी बटोरते हैं बिल्कुल तुम्हारे पाप की तरह। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शाहजहान किसी मसले में, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूं। यस मीटिंग के लिए सब रेडी है, मैं आ रही हूं। बहरा हो गया क्या, सुनता नहीं है, उठ जा। तो यहां क्यों सोया हुआ है, कोई नया प्लान श्लैन तो नहीं बनाया हुआ चोरी चकारी करने का? मैं कोई चोर लगता हूं क्या? और बस बस मुझे ज्यादा ना समझा, उठो और यहां से निकलो। हाँ तो क्या है, पब्लिक प्लेस है, कोई सो नहीं सकता यहाँ पे क्या? चलो उठो यहां से निकलो, बड़ा है पब्लिक प्लेस है, चलो इधर से। शाहजहान, माना कि आपने मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, मगर ये मेरी रिक्वेस्ट समझें या जो भी, आप घर वापस आ जाएं। यहां सब खुश है मगर सबकी खुशी में आपकी कमी वाजे महसूस होती है, सबकी हंसी में भी उदासी है, और ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता। और अगर आप कहेंगे तो मैं यहां से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, बहुत दूर, मगर आप वापस आ जाएं प्लीज। Thank you.
आंटी ये आपका बैग, पैसे गिन लीजिए। पूरे 30,000 हैं। बहुत शुक्रिया बेटा तुम्हारा। अगर अगर आज ये चोर कामयाब हो जाता तो मेरे अब्बा की पेंशन जाया हो जाती, मेरे घर का खर्चा कैसे चलता। तुम अल्लाह तुम्हारी तमाम मुश्किलात आसान करे, हमेशा खुश रहो। आमीन। 1,00,000 सैलरी तो बहुत होती है, लेकिन मेरे लिए बहुत कम है। आपके लिए कम होंगे, मगर ऐसे कई लोग हैं जिनके लिए 1,00,000 रुपए किसी नेमत से कम नहीं। और कल तक तो आपके पास ये नौकरी भी नहीं थी, आज आपके पास ये नौकरी है। अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह आपकी नेमतों में मजीद इजाफा करेगा। शाज़ेन, ये अपना क्या हाल बनाया हुआ है तुमने? सॉरी यार, अब जो हाल है तेरे सामने है वो जॉब की बात करने आया था मैं। देखो, जॉब का तो मैंने तुम्हें पहले बताया था, स्टार्टिंग में कम सैलरी होती है। हाँ, वो तूने कहा था ना कि कोई 60-70 तक होगी, दैट्स ओके। बस प्लीज अब मेरे रहने का भी बंदोबस्त कर दे यार। शाज़ेन, सच बता, चल क्या रहा है? तुम परेशान क्यों हो इतना? हसीब की कॉल आई थी, तुम उसके पास भी हेल्प के लिए गए थे। क्या मिनाहिल से कोई लड़ाई हुई है? सब खैर तो है, हुआ क्या है? लड़ाई तो खैरों से होती है यार, अपनों से तो वफा होती है या फिर बेवफाई। अगर तुम बताना नहीं चाह रहे तो इट्स ओके। खैर, तुम परेशान ना हो, मैं 1-2 दिन में तुम्हारे रहने का बंदोबस्त करता हूं और जॉब का भी। 1-2 दिन? मेरे पास तो आज भी रहने को जगह नहीं है यार। कल रात एक गेस्ट हाउस में रात गुजारी, अब तो पैसे भी नहीं है। देख ले अगर कुछ हो सकता है तो यार, प्लीज। अच्छा अच्छा, तू रिलैक्स कर, मैं कुछ करता हूं। ओके, अल्लाह हाफिज़। चलो, तुम्हारे रहने का तो बंदोबस्त हो गया, मेरी फैमिली हैदराबाद जा रही है तो तब तक के लिए तुम मेरे यहाँ रह सकते हो, लेकिन जब वो वापस आएंगे तो यार तुम्हें कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। थैंक्स यार, अब जॉब का भी हो जाए तो तेरी मेहरबानी होगी यार। यार ये मेहरबानी का लफ्ज ना तेरे मुंह से अच्छा नहीं लगता। आई ट्राई माई बेस्ट कि अगर मैं 60,000 या 70,000 तक तुम्हारी जॉब करवा दूँ। थैंक्स यार, हमेशा तेरा एहसान मंद रहूँगा। पागल है क्या? कॉलेज में तू लाखों की पार्टियाँ कराता था हमें, इतना तो तेरा हक बनता है। ऐसे तू और तेरी बातें दिन ब दिन बदलती जा रही हैं यार। अमानत अंकल हमेशा बाबा से कहा करते थे, वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। खैर, चाय पियोगे?